मुझे मामा से बात करनी होगी। वक्त किसी तूफान की तरह मेरे ऊपर से गुजरता जा रहा है और किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। मामा आप, मैं आपके पास ही आ रही थी, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा, तुम्हारी बात मैं सुन लूंगी, पहले तुम मेरी बात सुनो। आज हम सब रात को खाने पर जा रहे हैं, तुम्हारे बाबा ने प्लान बनाया है। मैं और तुम्हारे बाबा सोचे हैं वकार। स्टॉप मामा, आपको वकार भाई के अलावा कोई और दिखाई देते हैं? मैं भी आपकी बेटी हूँ और मैं इस वक्त वकार भाई से ज्यादा मुसीबतों में घिरी हुई हूँ। मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, आपको खानों की पड़ी हुई है। मुझसे इस तरह चलाकर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? ये जो कुछ भी तुम झेल रही हो, ये बर्बादी और तबाही तुम्हारी ही लाई हुई है। जो औलादें अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी के फैसले में शामिल नहीं करती, वो इसी तरह टेंशन और अजाब से गुजरती हैं। आप भूल रही हैं मामा, उस वक्त भी मैंने आपको अपने मसले की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की थी। तो इसका क्या मतलब है? अगर माँ बाप अपने बच्चों की बातें ना सुने, ना माने, वो अपनी मनमानी करने लगे। सच तो ये है, तुम्हारी इस हरकत पे मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। बात करने से ज्यादा तुम्हें सजा देनी चाहिए थी। तुमने अपनी मनमानी के चक्कर में पूरे खानदान को सूली पर लटका दिया। इसका मतलब है मामा, आप मेरी मदद नहीं करेंगी? तो बस ठीक है, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगी। आपसे बेहतर तो फिरसा भाभी हैं, जिन्होंने इस मुसीबत के वक्त में मेरा इतना साथ दिया। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। तो अब वो तुम्हारे लिए माँ से भी ज्यादा हो गई है? उसने एक राज क्या छुपा लिया तुम्हारा, तुम उसके मुरीद बन गई हो? मामा अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती ना, तो मुझसे ये फजूल किस्म की बहस और तकरार भी मत करें। जाएं, जाकर आप लोग खाने खाएं, मैं अब आपसे कुछ नहीं कहूंगी। बेटा, दुनिया में कोई भी रिश्ता माँ बाप की बराबरी नहीं कर सकता। मुझे गुस्सा है, तुमने मुझे इतनी मुश्किल में डाल दिया है। मुझे गुस्सा था, मैंने निकाल दिया। अपनी माँ को माफ कर दो। मामा प्लीज, आप मुझसे माफी नहीं मांगे, मैंने वाकई में आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। कोई भी कदम तुम्हारे पापा से पूछे बगैर नहीं उठाया जा सकता, लेकिन मैं उसे कैसे कहूँ, किस तरह कहूँ कि वो तहम्मुल से बात सुन ले और तुम्हारे हक में बेहतर फैसला करे। बस सारा वक्त मैं इसी उधेड़बन में लगी रहती हूँ, अपनी माँ की हालत का अंदाजा नहीं लगा सकती। जिसका इकलौता बेटा जिंदगी से मायूस होता चला जा रहा है और उसकी बेटी बर्बादी और रुसवाई के आखिरी किनारे पर खड़ी। कहीं इस बार भी कोई वीडियो ना बन गई हो, और अगर ये वीडियो अब्बू को किसी ने भेज दी फिर तो मेरी किसी भी बात का एतबार नहीं करेंगे। आदिल मुझसे मिलने आया था उस वक्त की वीडियो वकार को किसी ने भेजी थी। आदिल कह रहा था वो फरमान और वकार के पापा के हाथ भी लग चुकी है, तो कौन है जो चुप चुप कर वीडियो बनाता है? कौन है जिसे मेरे हर कदम का पहले से पता चल जाता है? मुझे अम्मी से बात करनी होगी। कोई भी इस तरह वीडियो अब्बू तक पहुंचने से पहले इन्हें पूरा सच बताना होगा, नहीं तो हाँ, अम्मी से बात करती हूँ। अम्मी, वो मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा कहो, सुन रही हूँ मैं। आप अंदर चले ना मेरे साथ कमरे में। आई इधर बैठी। वो दरअसल उस दिन आप जब मुझे लेने आई थी तो मैंने और आदिल ने आपको पूरा सच नहीं बताया था। फरमान भाई सही कह रहे हैं, मेरी वकार से सिर्फ लड़ाई नहीं हुई बल्कि
उन्होंने मुझे घर से निकाला है। ये क्या कह रही हो बेटा तुम? वकार ने तुम्हें घर से निकाल दिया, मगर क्यों? शाला, तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बेटा तुमने ऐसा क्या कर दिया था कि वकार ने ऐसा गैर इंसानी सलूक किया तुम्हारे साथ? वकार तो पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान है। अम्मी आप प्लीज बैठिए। इस वक्त आप कमजोर नहीं पड़ सकते, मुझे इस वक्त आपकी जरूरत है। मैं आपको सब बताती हूँ। कुछ दिन पहले आदिल आया था मुझसे मिलने, मैंने नहीं बुलाया था उसे, वो वकार के लिए ही कोई बात करने आया था। और पता नहीं किसने लेकिन किसी ने चुप की वीडियो बना ली और वो वीडियो वकार के पास चले गई। पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आया कि सब कैसे हुआ, और इसीलिए वकार मुझसे बहुत नाराज है। ये आदिल का दिमाग तो मैं ठीक करूंगी, उसकी उसने ऐसी हरकत की। अम्मी नहीं, आदिल भाई का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो तो मेरी मदद करने आए थे। ये सब तो जो कोई भी छुप के चाल चल रहे ना उसने किए, बहुत शातिर है और वो अपनी मकारी में कामयाब हो गया। मुझ पे लगाए गए हर इल्जाम को उन्होंने सच मान लिया। ऐसे कैसे सच मान लिया उसने? हाँ, हम जाके उससे बात करेंगे, उसे तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका देना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं अम्मी, उनके दिल में मेरे लिए जो मैल आ गई है वो शायद मेरे खून से भी साफ नहीं होगी। उन्होंने मना किया था मुझे आदिल से मिलने से, मैंने भी आदिल को मना किया था कि मत आए, लेकिन सब करके भी हार गए। और वो लोग जो हमारे खिलाफ चाले चल रहे हैं वो कामयाब हो गए। मेरे मुकदमे की ना ही तो सुनवाई हो सकती है और ना ही मेरे हक में कोई फैसला आ सकता है। बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं बचा अम्मी। मेरी बेटी बर्बाद हो गई और मैं कुछ नहीं कर सकी, दुश्मन कामयाब हो गए, अगर वकार ने इसे छोड़ दिया तो क्या इसकी शादी फरमान से? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं मंसूर को ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं अपनी बेटी को अपने दुश्मनों के घर नहीं बहा सकती। ये लो बेटा, पानी पियो। बस फिर सा, ये वक्त रोने का नहीं है। दुश्मन दरवाजे पे खड़ा है, तुम्हें अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकती अम्मी, हार गई, अब मान ले कि हमें शिकस्त हो गई, हार गए। नहीं, मैं ये शिकस्त नहीं मानूंगी। मैं कुछ नहीं कर सकती आप, क्या करेंगे? आपको सिर्फ इस बात का डर है ना कि अगर आपको को पता चल जाएगा तो नाराज होंगे। चल जाने दे, पता सब खत्म।